दिल्ली के मंगोलपुरी में एक मामूली से विवाद में एक युवक की मौत हो गई। कुछ अज्ञात लोगों ने दो युवकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली में आज जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं। एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके से सामने आया है, जहां एक मामूली सा विवाद चाकूबाजी में कब बदल गया पता भी नहीं चला और इस चाकूबाजी में एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मंगोलपुरी के एन ब्लॉक में करीबन 8:15 बजे पुलिस को एक विवाद को लेकर सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो दो लोगों को घायल अवस्था में नजदीक के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी पहचान अमरदीप और सागर के रूप में हुई है। अमरदीप को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सागर का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक अमरदीप अपने दोस्त सागर के साथ सड़क से गुजर रहा था कि सामने से आ रहे कुछ युवकों से टकराने पर मामूली सी कहासुनी हो गई, जो अचानक बड़ा विवाद बन गया। इस विवाद के दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमरदीप और सागर दोनों ही मंगोलपुरी के रहने वाले हैं। वारदात के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा ईमानदारी से मेहनत करके घर चलाता था और उनके बुढ़ापे का भी एक सहारा था। अब परिजन पुलिस प्रशासन से अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। मैं सर लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई कर रहा था। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूँ, भाई भी ट्यूशन पढ़ाता है। मैं खुद उसको उसकी पढ़ाई करवा रहा था कम्प्लीटली, और वो मेरा बच्चा भी ट्यूशन ही पढ़ाता था यहाँ तो पास में ही, ठीक है। एक एल ब्लॉक डिस्पेंसरी के पास उसका के ब्लॉक में ट्यूशन है, ट्यूशन सेंटर उसका, वो खुद भी पढ़ाता है। वो और उसका दोस्त सागर दोनों आ रहे थे वहाँ पे क्लास लेके, ट्यूशन से लेके क्लास लेके आ रहे थे। फिर यहाँ पे रास्ते में थाना है ना, थाना डी ब्लॉक का, थाना के पीछे ही एक रोड है, स्टेट बैंक आस पास एक नियर लोकेशन है, बलदेव ज्वेलर्स आस पास, इधर से जा रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन तीनों ने इसको टक्कर मारी, बहस हुई और फिर उन्होंने चाकू निकाल लिया। तो पहले वाले लड़के को मेरे भाई का जो दोस्त था उसको पैर पे चाकू मार गया। फिर मेरे भाई को उसने थोड़ा सा बहस हुई, मेरे भाई ने छुड़ाने की कोशिश करी, फिर उसके चाकू मार दिया, गले पे मारा, सीने पे, पीठ पे मारा। बताइए, मैं और अमरदीप अपने आप वो अपना पी ब्लॉक से पढ़ा के और मैं सी ब्लॉक से पढ़ा के निकला था। हाँ? कुमार वाली जगह पे मैंने उसको फोन करा था, वो कह रहा था आजा हमें कला मंदिर चलना है, ठीक है। तो हम कला मंदिर हमने खाने पीने के लिए कुछ गए हुए थे, तो हम अपने आधे रास्ते पहुंचे जो गुरुद्वारा है जहाँ पर कॉस्मेटिक वगैरह का सामान बिकता है। तो वहाँ पे तीन लड़के थे, वो आ रहे थे हमारे सामने से, उनमें से एक नशे में था बहुत ज़्यादा ही, तो उसने हमें टक्कर मारी, मेरे को टक्कर मारी। तो हम ऐसे खड़े हो गए, तो उसने मेरे को देख के गाली गलौज करी, मेरे पे हाथ उठाया, तो ऐसे ही फिर हम आगे चले गए। और मैं और अमरदीप जब आगे चले गए तो वहाँ से फिर वो लोग वापस आ रहे थे, हम अपना मेन मार्केट में मुड़े, जब वो लड़का वापस आके टकराया हमसे और हमको ज़बरदस्ती लड़ाई करने लगा है वो, तो फिर हमने अपने सेल्फ डिफेंस में जब अपने उनसे लड़ाई वगैरह हाथापाई करी, तो उनमें से एक लड़का था बीच वाला मीडियम हाइट का, तो उसके पास खंजर था, उसने खंजर निकाला, तो पहले उसने मेरे मारा और मेरे को मार के ऐसे साइड में कर दिया। और जब अमरदीप आया पीछे से तो फिर उसको भी मारा, मेरे को भी मारा, मेरे को मार के साइड फेंकने के बाद फिर जब मैं वहाँ से बेहोश हो गया था बिल्कुल ही एकदम से, और वहाँ से फिर मैं धीरे धीरे जैसे तैसे अपने एन ब्लॉक भागा हूँ, डी ब्लॉक का थाना, वहाँ भी मैं पुलिस वाले के पास पहुँचा हूँ। थाने के पीछे था तो किसी पुलिस वाले ने कोई भी हेल्प नहीं करी, किसी पुलिस वाले ने हेल्प नहीं करी, बिठा दिया मेरे को ऐसी हालत में। हाँ। और मेरे को ऐसे मैं अपने घर तक आया हूँ, मम्मी के पास गया हूँ, तब मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में, तब मेरे को यहाँ पे घर वाले मेरे पुलिस वाले लेकर नहीं आया ऑन रोड में, शक्ल नहीं देखी है मैंने, जिसने चाकू मारा उसकी शक्ल मेरे को अच्छे से याद है, अच्छे से याद है। डी ब्लॉक थाने के पास से परिजनों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। फिलहाल जानकारी के अनुसार मृतक अमरदीप के शव को संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। वहीं घायल सागर का अस्पताल में उपचार जारी है। साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस वारदात ने एक बात तो साफ कर दी है कि आज दिल्ली के लोगों में दिल तो बचा ही नहीं,
इसी का परिणाम है कि जरा सी बात पर लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हो जाते हैं।